तो यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव की जो सर्विस है वो तो कैसे स्टार्ट हुई। तो बेसिकली क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है X.500 स्ट्रक्चर डेटाबेस। एक्टिव ओके डायरेक्टरी है वो किस पे बेस्ड है? X.500 स्ट्रक्चर डेटाबेस पे बेस्ड। अर्लियर वी हैड नो डेटाबेस स्टैंडर्ड। पहले हमारे पास डेटाबेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि ITU और ISO, ITU जो होता है वो है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ठीक है, और ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलके क्या किया, इस स्टैंडर्ड को तैयार किया। इन दोनों ने मिलके क्या किया, इस स्टैंडर्ड को तैयार किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डेटाबेस बनाया, ठीक है ना, जिसको बाद में आके एक्टिव डायरेक्टरी का नाम दिया गया। तो जो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो X.500 स्ट्रक्चर डेटाबेस पे ही बेस्ड है, नहीं समझे? अब X.500 एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होती है जो यूज करती है DIB। DIB को कहते हैं इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन बेस। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन बेस कहते हैं DIB, ठीक है। DIB जो है वो एक तरह के स्ट्रक्चर को बनाती है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे ट्री का स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताया था, वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। तो हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होता है और डायरेक्टरी बेस्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम DIT कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? DIT कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो डायरेक्टरी बेस्ड स्ट्रक्चर है और हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कहा जाता है DIT, ठीक है ना। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री। और एक्टिव डायरेक्टरी की जो इंफॉर्मेशन है जो X.500 डायरेक्टरी स्टोर करती है उसका डेटाबेस को बोलते हैं DIB, ठीक है ना। अब इसमें तीसरी चीज है, जो DIB का जो भी डेटाबेस होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? एक सर्वर पे स्टोर होगा, ठीक है, ये सर्वर है। तो DIB का डेटाबेस कहाँ स्टोर हो रहा है? एक सर्वर पे स्टोर हो रहा है जो आप सामने देख रहे हो, ठीक है ना। इस सर्वर के अंदर एक एजेंट इंस्टॉल रहता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरी सर्विस एजेंट, दैट इज कॉल्ड DS, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी सर्विस एजेंट, ठीक है ना। कुछ लोग इसे डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है डायरेक्टरी सर्विस एजेंट। सर्विस एजेंट, ठीक है ना। मस्त में जाके तो ये X.500 के अंदर आता है ये सारा कुछ। X.500 जो काम करेगा वो एक डेटाबेस पे काम करेगा जिसे हम DIP बोलेंगे, जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसे हम DIT कहते हैं। और ये सब काम कराने के लिए एक एजेंट हमारे पास सर्वर बनाना पड़ता है। इस सर्वर को हम, इस सर्वर के अंदर एक सर्विस होती है जिसे हमें कहते हैं डायरेक्टरी सर्विस एजेंट। वो यहाँ इस सर्वर में काम करेगा, राइट? समझ में आया? अब देखो, अब क्या होता है कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है, जैसे AD के लिए क्लाइंट बना लेते हैं ना। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन करता है किसके थ्रू? क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है ना। तो जो क्लाइंट होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्टरी यूजर एजेंट, डायरेक्टरी यूजर एजेंट, DUA। ये किसको बोला हमने? क्लाइंट, क्लाइंट इज ए DUA। ओके, DUA मींस डायरेक्टरी यूजर एजेंट, यूजर एजेंट। ए यूजर नीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द AD, देन ही इज सेंडिंग ए क्वेरी टू द DSA सर्वर,
Yeah. And server gets the information to DUA. Right. Via a protocol called DAP. Okay. Directory Access Protocol. Okay. Directory Access Protocol. समझ आया? Yeah. अब इस डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल को आगे इनहेंस करके LDAP कहा गया. Okay. LDAP कैसे बना है? DAP से ही बना है. Lightweight Directory Access Protocol is made by Microsoft. Okay. Microsoft का जो सर्वर चलता है वो LDAP पे चलता है. Lightweight Directory Access Protocol पे चलता है. But sir, last time you told me that LDAP is a server what actually is in Linux server. Actually, LDAP जो LDAP का जो सर्वर है बेसिकली LDAP जो पहले सबसे पहले एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं इसे बनाया और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अडेप्ट किया था LDAP. एक्चुअल में एक ओपन स्टैंडर्ड है क्योंकि दोनों ने मिलकर बनाया ना इसको. Right. दोनों ने मिलकर बनाया X.500. Right. और ये वाला जो पूरा सिस्टम जो काम करता है ये ओपन स्टैंडर्ड पे काम करता है. तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रोटोकॉल को एडेप्ट करके इसे बाद में एक्टिव डायरेक्टरी का नाम दिया. ओके. जो ये इंफॉर्मेशन जो एक्सेस कराने वाली जो चीज है ना वो डीएपी सर्वर के थ्रू हो रही है, डीएपी प्रोटोकॉल के थ्रू. और जो डीएपी प्रोटोकॉल है वो LDAP जो है वो बाद में बना. Right. यही चीज बाद में LDAP कहलाई, डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, क्योंकि डायरेक्टरी एक्सेस के थ्रू ही काम हो रहा है यहाँ. राइट. ठीक है, समझ आया? या. डीएससी जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए काम करता. डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को फेच कराने का काम कर रहा. ठीक है ना? ओके. तो डीएससी क्या कर रहा है, एक तरह से कंट्रोल कर रहा है जो भी पॉलिसीज वगैरह हम बना रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है डीएससी. ओके. ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी ऑपरेशनल बाइंडिंग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. इसके अंदर जो रहता है डीओपी रहता है. इसके अंदर क्या रहता है? डीओपी, डायरेक्टरी ऑपरेशनल बाइंडिंग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. Okay. तो इसके अंदर जो यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कराने के काम करते हैं. एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो. राइट. ठीक है ना? yeah. तो ये सारा काम जो होता है, अब इसको एक और सर्वर है, इसमें आपने क्या कर दिया, डीओपी के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन लेनी, यानी कि बैकअप बनाना है. तो एक बैकअप सर्वर बनेगा तो ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा ना. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एडी का ही एडीसी बना दिया. जो डेटाबेस है वो यहाँ इंस्टॉल कर दिया और जो इंफॉर्मेशन फैच हो रही है वो डीओपी के थ्रू हो रही है. ओके. ठीक है ना? इसी तरह से आप मल्टीपल रोल इंस्टॉल करके मल्टीपल सर्वर बनाते हो तो सारा काम एक्टिव डायरेक्टरी जैसा ही दिख रहा है ना आपको यहाँ पे. राइट. तो यही है X.500 स्ट्रक्चर डेटाबेस. ओके. राइट. समझ में आया? यस सर. तो माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ अडॉप्ट किया है इसको, कॉन्सेप्ट तो वही है. राइट. सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अडॉप्ट किया है. ओके. तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन सबको रिप्लेस कर दिया. तो LDAP, तो देखो जो LDAP है उसी को आजकल एक्टिव डायरेक्टरी कहा गया. ओके. ठीक है ना? सो डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल व्हाट इज एक्चुअली, या इट्स इन बिटवीन कस्टमर एंड द सर्वर, आई मीन दिस क्लाइंट एंड सर्वर मशीन, दिस प्रोटोकॉल एक्चुअली फंक्शंस. ओके. ठीक है ना? Yes. तो इसमें देखो जो हमारा LDAP बेस्ड सिस्टम है, डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोटोकॉल सिस्टम है, उसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें काम करती हैं.
जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क्लोज नहीं करता है, पहली चीज होती है इसके अंदर ESE. ESE होता है एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन. ओके, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन. ओके, एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन माइक्रोसॉफ्ट लेके आया था इस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसका एसक्यूएल सर्वर भी चल रहा है, एक्सचेंज सर्वर भी चल रहा है, और जितने भी सर्वर आपके जो चल रहे हैं, जो डेटा को स्टोर करने के काम कर रहे हैं, वो सारे ESE टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन. स्टोरेज इंजन जैसे इसका एग्जांपल है एक्सचेंज सर्वर. तो एक्सचेंज सर्वर जो डेटाबेस बनाता है वो ESE को यूज करके बनाता है. हम SQL सर्वर में जो डेटा स्टोर करते हैं वो ESE इंजन को यूज करके करता है. आप पढ़ो इसके बारे में, देखो, आपको पता लग जाएगा. ओके सर, ठीक है ना? या तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो ESE है, एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन है. ज्यादा डिटेल आप इंटरनेट पे पढ़ना इसके बारे में. अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता इसकी, क्योंकि इसको बहुत बड़ा है. ओके सर. और दूसरा इसमें क्या है, DNS सर्वर इंक्लूड किया गया है. DNS लोकेटर, किसी भी चीज को बिना DNS के यहाँ पे काम नहीं चलता है. या जैसे कि मान के चलते हैं कि भाई अगर किसी क्लाइंट को डोमेन ज्वाइन करना है तो उसको SRV रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, राइट? राइट. SRV रिकॉर्ड तो मैंने पढ़ाया था ना आपको DNS में. या SRV रिकॉर्ड क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है LDAP सर्विस को, करता है नहीं करता? Kerberos सर्विस को आइडेंटिफाई करता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, DNS लोकेटर का काम कर रहा है और ESE डेटाबेस इंजन का काम कर रहा है, राइट? ये दोनों टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी. ओके, इसलिए इसको कोई बीट नहीं कर पा रहा है. माइक्रोसॉफ्ट को इसलिए कोई बीट नहीं कर पा रहा है. जो DAP का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहां से आया है, वो OSI की लेयर से आया. डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द OSI लेयर. OSI लेयर के थ्रू इन्होंने कॉन्सेप्ट इसका एडेप्ट किया है, ठीक है ना? और ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. भाई जितने भी क्लाइंट है, बहुत सारे क्लाइंट है, उसके ट्रैफिक को कैसे जनरेट करना है वो सब इसके अंदर बताया गया, ठीक है ना? तो ये DAP का कॉन्सेप्ट है. और फिर DAP से बन गया LDAP आगे. उन्होंने इस प्रोसेस के लिए यूज किया लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल का, जो TCP बेस्ड लेयर पे काम करता है. ये देखो, जो DAP है वो OSI मॉडल को फॉलो करता है, जबकि LDAP जो है वो TCP/IP मॉडल को फॉलो करता है. तो आजकल लेटेस्ट में ये वाला मॉडल चल रहा है, OSI मॉडल ये नहीं चल रहा है. अब कौन सा मॉडल चल रहा है? TCP/IP लेयर मॉडल चल रहा है. मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट फॉलो दिस वन LDAP. ओके, एक्चुअल में DAP को ही इंप्रूव करके बनाया गया लाइट LDAP, ठीक है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट इसको फॉलो करता है, यूज करता है, राइट? या मैंने कल आपको बता दिया था ट्री क्या होता है. राइट, ट्री इज अ सेट ऑफ वन और मोर डोमेन्स विद कंटिगुअस नेमस्पेस. राइट, इफ मोर देन वन डोमेन इज एग्जिस्ट यू कैन कंबाइन द मल्टीपल डोमेन्स इनटू अ हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर. फर्स्ट डोमेन इज कॉल्ड द रूट डोमेन ऑफ द ट्री. फर्स्ट ट्री जो बन रहा है वो रूट डोमेन है. अदर डोमेन्स आर कॉल्ड द चाइल्ड डोमेन्स एंड ग्रैंड चाइल्ड डोमेन्स. डोमेन इमीडिएटली अबव द अनदर डोमेन इन द सेम डोमेन इज कॉल्ड इट्स पेरेंट. ठीक है, तो वो पेरेंट हो गया, दूसरा उसका चाइल्ड हो गया. एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हमने कहा ms.com के नीचे हमने बना दिया mcitp.ms.com. तो mcitp is a child domain of the
ms.com. Right. तो ms.com parent domain कहलाएगा और mcitp child domain कहलाएगा. Yeah. ठीक है. और फिर भी हमने इसके नीचे एक और बना लिया mcts.mcitp.ms.com. That is called the grandchild domain. इसका grandchild हो जाएगा. और इनके बीच में आप देख रहे हो ये relationship बन रही है. इसे कहा जाएगा ट्रस्ट. राइट. और ये ट्रस्ट जो है ऑटोमेटिक बन जाती है. और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ट्री स्ट्रक्चर बोलेंगे. ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे हम बोलेंगे ट्री स्ट्रक्चर. राइट. इसमें देखो एक और टर्म आती है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मैंने नहीं बताया था, आप बता देता हूँ. देखो फॉरेस्ट होता क्या है? फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर डोमेन ट्रीज. डोमेन ट्रीज का कलेक्शन ही फॉरेस्ट कहलाता है. ठीक है. फॉरेस्ट कैसे बनेगा? मल्टीपल डोमेन ट्रीज विद ए सिंगल फॉरेस्ट डू नॉट फॉर्म ए कंटिग्यूअस नेम स्पेस. अब देखो क्या होगा कि फॉरेस्ट में कभी कभी क्या है, कंटिग्यूअस नेम स्पेस नहीं होता. एक ट्री अलग बना हुआ है किसी और नाम से, दूसरा ट्री अलग बनेगा किसी और नाम से, तो दोनों ट्री कंटिग्यूअस में नहीं आएंगे, लेकिन वो एक सिंगल फॉरेस्ट में रह सकते हैं. ओके. ठीक है ना. ऑल्दो ट्री इन ए फॉरेस्ट डू नॉट शेयर द नेम स्पेस, ए फॉरेस्ट विल हैव ए सिंगल रूट डोमेन कॉल्ड द फॉरेस्ट रूट डोमेन. आपके पास देखो क्या होता है, जो फर्स्ट ट्री वहां पे इंस्टॉल होगा उसी के नाम से वो ट्री डोमेन कहलाएगा. मतलब वो जो फॉरेस्ट बनेगा वो उसी रूट डोमेन के नाम से बनता है. फॉरेस्ट रूट डोमेन इज द फर्स्ट डोमेन क्रिएटेड इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर जो पहला डोमेन बनेगा तो वहां पे क्या होगा, फॉरेस्ट का जो नाम होगा वो रूट डोमेन के नाम पे ही बेस्ड होगा. ठीक है ना. तो जैसे कि मान के चलते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया, एक डोमेन बनाया. अभी डोमेन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? एक फॉरेस्ट के अंदर. तो ये तो हो गया फॉरेस्ट. और ये हो गया ट्री. स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होगा ना. राइट. स्टार्टिंग में तो एक रूट ही रहेगा यहाँ पे. राइट. तो ये जो है ये रूट डोमेन बनेगा. ये स्टार्टिंग का ट्री है और स्टार्टिंग में क्या बनेगा, फॉरेस्ट बनेगा, लेकिन उसमें एक ही ट्री होगा ये वाला. Right. ये भी तो एक ट्री है ना, छोटा सा. Yeah. तो जब ये आगे बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, तो देखो इसके नीचे इस तरह से बन जाएगा. तो ये फॉरेस्ट भी एक्सटेंड कर जाएगा. देखो फॉरेस्ट तो वही रहा ना. Right. और ये ट्री बन गया. Right. ये डोमेन बन गया रूट, और रूट के नीचे चाइल्ड बन गया, और ये फॉरेस्ट एक्सटेंड हो गया. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके. सो दैट मींस, सो इफ द रूट डोमेन इज लाइक india.com, दिस इज द रूट डोमेन इन ए फॉरेस्ट, एंड इफ आई मेक एनी another tree like so germany.com, so I can create two different domain in one forest, no? Yes. देखो यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, इसमें ये india.com हो गया और ये जर्मनी हो गया. ये जर्मनी, ये दोनों रह सकते हैं, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट बना सकते हैं. राइट. ये रहेगा सिंगल फॉरेस्ट के अंदर ही. ये पूरा फॉरेस्ट जो होगा ये india.com का ही फॉरेस्ट है. ओके. राइट. फॉरेस्ट जो होगा वो india.com का होगा, इसमें germany.com जो है वो बन सकता है. ओके. दिस दे विल क्रिएट अ फास्ट रिलेशनशिप. हां, फिर इसके बीच में ट्रस्ट बनेगी ना दोनों के बीच. राइट. तो ये ट्रस्ट होगी फॉरेस्ट ट्रस्ट. ओके. ओके सर. The two forest-wide predefined groups decided in the forest root domain. जब भी forest root domain बनता है तो दो तरह के यहाँ पे group हमारे पास बन जाते हैं. पहला group बनता है जिसका नाम है enterprise admin, और दूसरा group बनता है schema admin. तो ये forest level पे काम करते हैं. ये दोनों तरह के जो domain है आपके, ये group जो हैं, ये कहाँ काम करेंगे? Forest level पे. जब भी हम फॉरेस्ट लेवल पे कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें दो राइट्स की जरूरत पड़ेगी. पहला राइट जो होगा वो होगा एंटरप्राइज एडमिन राइट, और दूसरा राइट होता है स्कीमा एडमिन राइट.
these both admins will be resided in forest domain, in root domain. Yes, root का जो administrator होगा उसको ये दोनों की power होगी, इन दोनों चीजों की. Okay. By default होती है. Okay. Otherwise आपके दूसरा group अगर बनाना चाहते हो तो बना के इसमें दोनों को add करना पड़ेगा. Okay. तब जाके उसको वो power मिल पाएगी. तो अगर ये दोनों पावर आपके पास है तो आप एक ट्री स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रूट डोमेन बनाना, चाइल्ड बनाना, ठीक है ना, चाइल्ड का चाइल्ड बनाना, ट्रस्ट बनाना, ये सारे राइट्स के लिए दोनों पावर जरूरी है, इन दोनों, राइट? राइट. अब देखो फॉरेस्ट यहाँ पे जैसे ms.com जो है वो पहला यहाँ पे ट्री वो बन गया, रूट डोमेन पहले ट्री तो यही बना ना फॉरेस्ट के अंदर. फिर इसके अंदर दूसरा बनेगा, इसके नीचे वो चाइल्ड कहलाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर ट्री कहलाएगा. ठीक है, ये पूरा जो गोल आप देख रहे हो सर्कल, ये एक फॉरेस्ट बन गया. अब इसके अंदर हम दूसरा एक ट्री बनाना चाहते हैं, soft.com. soft.com क्या करेगा, परमिशन लेगा इस एग्जिस्टिंग ट्री के फॉरेस्ट से बनाने के लिए, नए ट्री बनाने के लिए. और जब ये परमिशन लेगा तो इन दोनों के बीच में ट्री रूट ट्रस्ट बन जाएगी. Okay. ये पूरा फॉरेस्ट है. Mm-hmm. एक फॉरेस्ट में ये दोनों अलग अलग ट्री बन सकते हैं. राइट. ठीक है ना. yeah. ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कॉन्सेप्ट इसको. पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको. ट्रस्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं. तो देखो ट्रस्ट रिलेशनशिप जो होता है वो किस लिए बना जाता है, कि हम सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बना पाएं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या दो डोमेन के बीच में एक कम्युनिकेशन पाथ बना पाएं, सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बना पाएं, जिससे कि दोनों डोमेन के जो यूजर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर सकें. ठीक है. okay. तो हम ये कह सकते हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप इज ए सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ, इट्स ए सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ दैट अलाउ ऑब्जेक्ट्स इन वन डोमेन टू बी ऑथेंटिकेटेड एंड एक्सेप्टेड इन अदर डोमेन. दो डोमेन मैंने बना रखे हैं, दोनों डोमेन के यूजर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर सके, यानी कि एक यूजर दूसरे डोमेन में लॉग इन कर पाए और दूसरा यूजर पहले डोमेन में लॉग इन कर पाए. अगर ट्रस्ट बनी होगी तो आपस में लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट? सम ट्रस्ट आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड सम ट्रस्ट आर मैन्युअली क्रिएटेड. कुछ ऐसी ट्रस्ट हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, इनको हम इम्प्लिसिट ट्रस्ट कहते हैं. ओके. ठीक है, इम्प्लिसिट ट्रस्ट. दूसरे तरह की होती है एक्सप्लिसिट ट्रस्ट. इम्प्लिसिट ट्रस्ट जो होती है ऑटोमेटिक बनती है, और एक्सप्लिसिट जो ट्रस्ट है वो मैनुअल बनती है. ओके. मैनुअली क्रिएटेड बाय एडमिन. जैसे एग्जांपल है पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट. पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट जो है इम्प्लिसिट ट्रस्ट का एग्जांपल है. ओके, दिस इज इन वन ट्री. और ट्री रूट ट्रस्ट ये भी इम्प्लिसिट का एग्जांपल है. ये दोनों ट्रस्ट इम्प्लिसिट होती है और बाकी सब एक्सप्लिसिट में आती है. ओके. ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक बनेगी कौन सी होंगी, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट और ट्री रूट ट्रस्ट. या ठीक है ना. अब और तरह की जो ट्रस्ट होती है कैसे क्रिएट होती है,
वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट, ट्री रूट ट्रस्ट, एक्सटर्नल ट्रस्ट, फॉरेस्ट ट्रस्ट, शॉर्टकट ट्रस्ट और रिलीम ट्रस्ट। रिलीम ट्रस्ट ये छह तरह की ट्रस्ट होती है हमारे पास कॉमनली जो यूज होती है। पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट और ट्री रूट ट्रस्ट ये दोनों होती है इम्प्लिसिट, और बाकी जो है एक्सटर्नल ट्रस्ट, फॉरेस्ट ट्रस्ट, शॉर्टकट ट्रस्ट और रिलीम ट्रस्ट ये होती है एक्सप्लिसिट। ओके ठीक है, यानी कि ये सब हमें मैनुअली बनानी पड़ती है। अब फॉरेस्ट मतलब ट्रस्ट बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स या मेथड यूज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से कुछ ट्रस्ट हमारी होती है ट्रांजिटिव ट्रस्ट और कुछ ट्रस्ट होती है हमारी नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट। अब ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव का कैसे समझो मैं बताता हूँ। देखो हमने कहा ए डोमेन एंड बी डोमेन, इफ ए इज ट्रस्टेड बी, ए डोमेन की बी डोमेन के साथ ट्रस्ट बनानी है, ठीक है ना। तो ए डोमेन अगर बी डोमेन से ट्रस्ट बनाएगा तो ट्रस्ट कैसे बनेगी, ए ट्रस्टेड बी, ए टू बी बनेगी ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बनेगी, ए टू बी बनेगी, लेकिन एक्सेसिंग कैसे होगी, बी टू ए। एक्सेसिंग कैसे होगी, बी टू ए। एक्सेसिंग इज फ्रॉम बी टू ए, उल्टा होता है। अगर आप ट्रस्ट बना रहे हो ए टू बी, ए से बी में, देन बी इज एक्सेस ए। एक्सेसिंग कैसे होगी, बी इज एक्सेस ए, ओके, ना कि ए इज एक्सेस बी। ओके देखो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। ए ट्रस्टेड बी का मतलब मालूम है क्या, ए बी को कुछ दे रहा है ना कि ले रहा है। ओके so that means a b so a is trusting b, that means b will contact to the a for the information and a will give to the b. yes a ne b ko trust kiya, yani ki a ne kuch isko b ko diya, a ne iske sath vishwas kiya na, trust kiya, right, then b is accessing resources of a, right। अगर ए से बी में ट्रस्ट बन रही है मींस बी इज एक्सेसिंग एवरीथिंग फ्रॉम ए, ए से सब कुछ ले सकता है, बट ए इज नॉट एक्सेसिंग बी। अगर मैंने कहा है बी इज ट्रस्टेड ए मींस ए इज एक्सेसिंग द रिसोर्सेस ऑफ बी, राइट। तो ये ट्रस्टिंग का मेथड है, ट्रस्ट बनाने का मेथड होता है। ओके ठीक है ना। तो ए ने बी को ट्रस्ट किया यानी कि बी ने ए से ले लिया, उल्टा होता है। ये चीज आप समझ में आ गए।
अब देखो क्या होता है बेसिकली, हमने कहा ए इज ट्रस्टेड बी, ए डोमेन बी से ट्रस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने कहा एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है और एक डोमेन ये है, मेरे पास तीन डोमेन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने कहा ए इज ट्रस्टेड बी एंड बी इज ट्रस्टेड सी, समझ रहे हो? ए ने बी से ट्रस्ट किया और बी ने सी से ट्रस्ट किया, तो मैं ये कह सकता हूँ सी इज आल्सो ट्रस्टेड ए। नहीं समझे? ए इज ट्रस्टेड बी एंड बी इज ट्रस्टेड सी, दिस मीन्स ए इज आल्सो ट्रस्टेड सी। राइट, नहीं समझे? या अंडरस्टैंड। दिस रूल इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रूल। If the trust is transitive trust, then this rule will be followed. Okay. अगर कोई trust transitive trust कहलाती है तो उसमें क्या होता है, A B से trust करेगा, B C से करेगा, इसका मतलब A C से भी trust करेगा, ये indirectly C को trust करेगा। Right. इस rule को कहते हैं transitive rule. That means B is trusted by A, that in that case. So if B has any inheritance, then that will be also trusted by A. हाँ, ये कह सकते हो, inheritance बोल सकते हो आप, पर inheritance नहीं होता इसमें। हाँ। Trust में कोई inheritance नहीं होता। Okay. ठीक है ना? पर आप कह सकते हो कि अगर A B को trust कर रहा है और B C को कर रहा है, तो indirectly A C को भी trust कर सकता है। Okay. तो इसे कहते हैं transitive trust. तो ऐसी ट्रस्ट कहलाती है ट्रांजिटिव ट्रस्ट, जो इस रूल को फॉलो करती है, और कुछ ट्रस्ट जो इस रूल को फॉलो नहीं करती उन्हें हम नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट में डाल देते हैं। ओके, तो ट्रस्ट की दो कैटेगरी होगी, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव, राइट? अब दूसरी चीज होती है ट्रस्ट की डायरेक्शन, राइट? तो ट्रस्ट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है वन वे इनकमिंग ट्रस्ट, एक होती है वन वे आउटगोइंग ट्रस्ट, और एक होती है टू वे ट्रस्ट। ओके, तो देखो क्या होगा, एक डोमेन दूसरे से ट्रस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा जो ट्रस्ट की जो डायरेक्शन है। अभी देखो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, आउटगोइंग ट्रस्ट, तो ये होगी आउटगोइंग, ये इनकमिंग हो जाएगी, right. और जिसमें दोनों तरह की मिल जाती है वो टू वे कहला जाती है। वन वे इनकमिंग और वन वे आउटगोइंग, ये तो देखो एक ही, अगर एक ही एरो लगाया तो वन वे है, और अगर दो एरो लगे तो टू वे है, ठीक है ना? वन वे इनकमिंग और वन वे आउटगोइंग, ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है। तो ट्रस्ट दो तरह की हो सकती है, वन वे इनकमिंग, वन वे आउटगोइंग, या टू वे ट्रस्ट, राइट? ठीक है, और ट्रस्ट के टाइप मैंने आपको बता दिए। देखो पहली तो ट्रस्ट है पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट, इसको हम डिफॉल्ट ट्रस्ट भी कहते हैं, समझ आ गए? दूसरी तरह की जो ट्रस्ट है वो है ट्री रूट ट्रस्ट, ठीक है, वो इसमें नहीं दिया है। दूसरी तरह की जो ट्रस्ट है वो ट्री रूट ट्रस्ट है, वो भी डिफॉल्ट के अंदर आ गई, इसलिए नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है ना? उसके बाद आती है हमारी एक्सटर्नल ट्रस्ट, उसके बाद आती है फॉरेस्ट ट्रस्ट, फिर आती है रिडीम ट्रस्ट, और फिर शॉर्टकट ट्रस्ट, ठीक है ना? ये वैसे तो हैं छह तरह की, लेकिन इसको पांच तरह की बोलते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर दो तरह की ट्रस्ट आ जाती है, पेरेंट चाइल्ड और ट्री रूट, ओके? तो ये ट्रस्टिंग होती है, ट्रस्ट के टाइप हो गया, ठीक है? इसमें देखो डिफॉल्ट जो ट्रस्ट हो गई वो हमेशा टू वे ट्रस्ट होगी, और कैसी होगी, ट्रांजिटिव हमेशा। क्या देखो, जो पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट है और ट्री रूट ट्रस्ट है, ये दोनों तरह की ट्रस्ट कैसी कहलाएंगी, टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट कहलाएंगी। ओके, ठीक है ना? या शॉर्टकट जो ट्रस्ट है वो वन वे हो सकती है और या टू वे हो सकती है,
ओके है, लेकिन ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट के अंदर आती है, ओके ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रस्ट जो है वो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को फास्ट करने के लिए यूज की जाती है, ओके ठीक है ना। ओके एक्सटर्नल ट्रस्ट जो होती है वो बनती है, एक डोमेन आपने बना लिया, उसमें फॉरेस्ट बना लिया जैसे कि विंडोज एनटी, और आपने एक दूसरा बना लिया आपका सर्वर 2008 सर्वर, और वहाँ पे फॉरेस्ट बना लिया आपने, तो जो एनटी डोमेन है और आपका 2003 है या 8 है या 12 है, उनके साथ अगर ट्रस्ट आप बनाओगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या बनेगी, नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनेगी। वो आप वन वे और टू वे दोनों बना सकते हो, इसको मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो, तो ये हमारी एक्सटर्नल ट्रस्ट कहलाती है। इसमें आपका फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल जो है वो कम से कम होना चाहिए 2003, तब आप बना सकते हो, ठीक है। अभी फंक्शनल लेवल समझाऊंगा, अभी एक इतनी सारी चीजें एक दिन में समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। फॉरेस्ट ट्रस्ट जो होती है वो एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट के बीच में बनती है, ये वन वे या टू वे दोनों हो सकती है, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव, नहीं ये सिर्फ ट्रांजिटिव होती है, ये ट्रांजिटिव होती है, नॉन ट्रांजिटिव नहीं होती। एक्सटर्नल ट्रस्ट होती है नॉन ट्रांजिटिव, फॉरेस्ट ट्रस्ट हमेशा ट्रांजिटिव होती है। ये बन सकती है बिटवीन द 2003 सर्वर, 2008 सर्वर, 2012 सर्वर, ठीक है ना। इनके बीच में ये ट्रस्ट आपकी बनके तैयार हो सकती है। और रिलीव ट्रस्ट जो होती है वो होती है विंडोज और नॉन विंडोज के बीच में होती है, और ये हमेशा नॉन ट्रांजिटिव की कैटेगरी में आती है। जैसे एक यूनिक्स का सर्वर हो गया और विंडोज का सर्वर हो गया, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट बना रहे हो, तो ये कैसे बनेगी, रिलीव ट्रस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह की ट्रस्ट होती है आपकी, ट्रांजिटिविटी को बताया, ए टू बी, बी टू सी, ठीक है ना। ये डिफॉल्ट में आ गई आपकी, इसमें देखो ट्री, ये पैरेंट चाइल्ड ट्रस्ट हो गया राइट, और ये एक नया ट्री बन गया, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट बनेगी ट्री रूट ट्रस्ट बन जाएगी, ये ट्री रूट ट्रस्ट का एग्जाम्पल है। ये पेरेंट चाइल्ड का एग्जांपल हो गया, ये पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। शॉर्टकट का ये एग्जांपल हो गया, ये एक डोमेन बना हुआ है पूरा इतना बड़ा, इसका चाइल्ड वगैरह बना हुआ है, और ये भी एक दूसरा बना हुआ है ट्री, दोनों के बीच में ट्रस्ट बनी हुई। अब क्या हो रहा है कि इनके दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन जब आप करते हो तो ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, पहले ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये इसको भेजेगा और ये फिर इसको भेजेगा, तब जाके कम्युनिकेशन होगा। तो ये क्या है, शॉर्टकट जब ट्रस्ट आप बना देते हो तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो जाता है, ऑथेंटिकेशन फास्ट हो जाता है, फिर ये बार बार इसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा इस तरीके से, तो डायरेक्ट शॉर्टकट यानी कि डायरेक्ट क्या है, एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करना स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट ट्रस्ट होती है स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड। इसी तरह देखो फॉरेस्ट ट्रस्ट जो है, एक फॉरेस्ट ये अलग बना हुआ, ये अलग बना हुआ, दोनों के बीच में आपने ट्रस्ट बनाया तो ये एक्सटर्नल ट्रस्ट बन जाएगी, इन दोनों के बीच में आप बना रहे हो, ठीक है ना। तो ये फॉरेस्ट ट्रस्ट का एग्जांपल, ये एक्सटर्नल फॉरेस्ट ट्रस्ट में देखो एक ट्रस्ट, एक फॉरेस्ट ये है, एक फॉरेस्ट ये है, लेकिन इसमें फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल जो है 2003 से कम नहीं है, पहली चीज, और इन दोनों के रूट डोमेन के बीच में ये ट्रस्ट बनाई जाती है। तो क्या होता है कि इस पूरे फॉरेस्ट की, इस पूरे फॉरेस्ट के साथ ट्रस्ट बन जाती है, जबकि पिछले एग्जांपल में सिर्फ क्या है, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट बनेगी, इन दोनों के बीच में, तो ये एक्सटर्नल ट्रस्ट कहलाएगी, पूरे फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट नहीं है। ओके इसमें क्या हो रहा है, ये सारे डोमेन की, इन सारे डोमेन के साथ ट्रस्ट बन जाएगी, ओके इसलिए फॉरेस्ट ट्रस्ट।
जबकि उसमें क्या हो रहा था, इंडिविजुअल एक डोमेन की सिर्फ दूसरे डोमेन के साथ ट्रस्ट बन रही है ऐसे. सो इन दिस दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज वेरी बिग ना. ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है इस तरह से जो बनेगा. ठीक है ना. रियल ट्रस्ट में आपकी जो है एक विंडोज डोमेन है, एक नॉन विंडोज डोमेन है, इनके बीच में ट्रस्ट बना रहे हो तो रियल ट्रस्ट बन जाती है. ठीक है, ये भी बहुत कम यूज होती है. ठीक है, फंक्शन लेवल कल बताऊंगा. Okay.